रंका प्रखंड में रंका उत्तरी भाजपा मंडल की अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां एक ओर शिवशंकर प्रसाद सोनी अपने को नवनिर्वाचित अध्यक्ष बता रहे हैं, वहीं कुछ अन्य भाजपा नेता इसे झूठा बता रहे हैं। भाजपा के महामंत्री संजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 13 जून की बैठक में उत्तरी मंडल अध्यक्ष के चुनाव के लेकर कोई बैठक नहीं किया गया, मेरी ही अध्यक्षता में बैठक किया गया था। बैठक में उपस्थित जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश उपाध्याय, रंका प्रभारी संजय भगत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनय चौबे आदि बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक में आभार यात्रा संबंधी बातों पर चर्चा किया गया था। इस संबंध में श्री उपाध्याय से अध्यक्ष चुनाव संबंधी जानकारी ली गई तो उन्होंने फोन पर बताया कि शिव शंकर प्रसाद सोनी को रंका उत्तरी मंडल का अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं। उस दिन आभार यात्रा के लेकर बैठक किया गया था, परंतु एक तरफ लोग इस प्रकार अपने सदस्य के अध्यक्ष बनने पर अपनी प्रतिक्रिया में कह रहे हैं। बैठक में शिव शंकर प्रसाद सोनी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर शिव शंकर सोनी को अध्यक्ष बनाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर लोगों को मुंह मीठा किया जा रहा है। सांसद प्रतिनिधि सुनील माली का कहना है कि भाजपा के लोग शिव शंकर सोनी को रंका उत्तरी मंडल का अध्यक्ष बनाया है, जिसे लेकर शिव शंकर सोनी हनुमान जी के मंदिर में अपने सहयोगियों के साथ 11 किलो लड्डू एवं 11 नारियल तोड़कर अपना दायित्व निभाने के लिए भगवान के समक्ष संकल्प लिए हैं। वहीं बैठक में उपस्थित उपेंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि बैठक में शिव शंकर सोनी को रंका उत्तरी मंडल का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। इस प्रकार भाजपा के कार्यकर्ता जो खेल खेल रहे हैं, जिससे लोगों में जिज्ञासा बढ़ रहा है यह जानने के लिए कि वास्तव में उत्तरी मंडल का अध्यक्ष कौन होगा, जिसका यह देखना जाना लोगों के लिए दिलचस्प सा होगा। हम रंका मंडल भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री शंकर प्रसाद सोनी, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार को आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमको नव निर्वाचित अध्यक्ष पद जो गरिमा को सौंपा। हम इस दायित्व को भाजपा परिवार को साथ आजीवन निभाने का काम करेंगे, और जो भी उनके साथ समस्या आएगा उस समस्या को हम प्रखंड स्तर तक निपटाने का कार्य करेंगे। आपके चैनल में जो दिखाया जा रहा है रंका उत्तरी मंडल का अध्यक्ष शिव कुमार सोनी बनाया गया है, यह सरासर झूठा है, झूठी खबर है। कल की बैठक में चुनाव संबंधी किसी तरह की बात नहीं किया गया है। बैठक में आभार यात्रा योग दिवस के लिए कार्यक्रम किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता मैंने स्वयं की है और लगभग 50 कार्यकर्ताओं सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में जिला के उपाध्यक्ष ब्रजेश उपाध्याय, संजय भगत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा विनय चौबे उपस्थित थे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद इन्होंने कुछ लोगों ने जिन्होंने पार्टी को बदनाम करने की साजिशी रच रखा है, पार्टी को बदनाम करने की, पार्टी में रहते हुए पार्टी का बदनाम करने की बात कर रहे हैं। वैसे चलो रंका बाजार में बैठ के माला पहनाने से उसको लड्डू खा के नारियल खा के जिला अध्यक्ष का तमगा दे दिया गया, जो कहीं से भी इसका न्यायपूर्ण बात नहीं है। हाँ, मुझे जानकारी मिली है, सर्वसम्मति से उनका चुनाव किया गया है, और किसी गरीब मजदूर किसान का बेटा अगर 20 साल से काम कर रहा है पार्टी के लिए, वह अगर चुन करके आता है जो भाजपा का फूटा ठोक आदमी है, तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो तो बहुत खुशी की बात है कि एक भाजपा का कार्यकर्ता यहाँ चुन करके आया। भारतीय जनता पार्टी रंका मंडल के कोषाध्यक्ष हैं, और जो ये चुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि श्री शंकर प्रसाद सोनी को मनाया गया है, उसमें अध्यक्षता संजय सिन्हा किए थे, जिसमें चुनाव के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, वहाँ आभार यात्रा के बारे में बात हुई थी। ये लोग प्रसादी चढ़ा रहा है मंदिर में, क्या बात है? वो सब गलत है, अफवाह है। पार्टी के उत्तरी मंडल अध्यक्ष श्री शंकर प्रसाद सोनी को जो है आज रघुनाथ अखाड़ा में फूल माला मिठाई से जो है बजरंग बली का चढ़ा करके रंका वासियों को आशीर्वाद के लिए हम लोग नगर भ्रमण के लिए इनको निकाल रहे हैं, और फूल माला चढ़ा रहे हैं, क्या हालांकि उनको फूल माला दे रहे हैं। इनको नव निर्वाचित उत्तरी मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इनको हृदय से सम्मान पूर्वक बनाने का मैंने जो संकल्प लेते हुए इनको आज जो है घोषणा किया है, इसलिए इनको हम लोग को आशीर्वाद है, सहयोग है,
कि आने वाले भारतीय जनता पार्टी को जो है सरकार का जो और संगठन का जो 65+ झारखंड में जो हमारा मिशन है उसमें हम कामयाब होंगे और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगा हमारे मंडल में। जो इसी आशा विश्वास के साथ हमारे साथ विश्वस्तरीय अध्यक्ष जी भी हैं, हमारे सभी जिला और प्रखंड के नेतागण हैं, उनके सहयोग से हम लोग मिशन को पूरा करेंगे और कमल फूल खिलेगा। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।